हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। जैसे कि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि भैया हेयर लॉस के लिए कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, तो देखो मेन एक तो हेयर स्टैंड रहता है। हेयर स्टैंड पर्सनली मुझसे होता नहीं है, तो आप इस जगह पे हेयर स्टैंड कर सकते हो, चाहे यहाँ कर लो, कहीं भी कर सकते हो। एक दीवार का सहारा चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे एक दीवार का सहारा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहो हेयर स्टैंड कर सकते हो। जिम में मैं वीडियो कर रहा हूँ ये, बट मेनली मैं कौन सी एक्सरसाइज करता था जिम में जो कि मेरे हेयर्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी रहती थी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करवाती थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी सबसे पहले मेन एक ही एक्सरसाइज रहती थी यहाँ पे, उल्टा लटकना। तो इसको मैं किस वजह से परफॉर्म करता था, वैसे तो मैं सीधा भी कर लेता, बट अब भी ये लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। तो इसको किस वजह से मैं परफॉर्म करता हूँ, यहाँ पे उल्टा लटकता हूँ, ये भी हेयर स्टैंड की तरह ही है। किस वजह से, तो इस वजह से उल्टा लटक जाना है। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्कैल्प का हाई होता है, अगर यहाँ पे अगर आप कुछ लगाते नहीं तो आपके यहाँ पे लेग में पेन भी हो सकता है, तो इसलिए आप देख लेना इस वजह से कुशन वगैरह रहता है। तो इस वजह से आप 5-10 मिनट के लिए उल्टा लटक सकते हो, तो यहाँ से क्या कम्प्लीटली ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा। अब इसमें आप चाहे डर्मा रोलर यूज़ करके आ सकते हो पहले, या थोड़ा इस वजह से मसाज कर सकते हो, इससे क्या अच्छे से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। और बाला यंत्र भी आता है, वो भी आप मंगवाना चाहो मुझसे मंगवा सकते हो, उसको भी इस वजह से होके रोल ऑन कर सकते हो। तो इसको 5 मिनट कर लेना। अब बताता हूँ सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज आप कहाँ कर सकते हो, यहाँ पे इस मशीन के ऊपर। तो ये मैं जिम की बता रहा हूँ, घर जाकर भी आपको अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किस वजह से रहेगी। अब इसको आपको प्रॉपर ऊपर कर लेना है। अब यार ये एक्सरसाइज आप खुद ढूंढ सकते हो, ठीक है, खुद से बना सकते हो। इसको मैंने पूरा ऊपर कर लिया, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। अब क्या इसमें उल्टा लटक जाना, लटक गया जाना, उल्टे होकर इस वजह से पड़े रहना, तो इससे क्या प्रॉपर थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है। नहीं तो लेग्स को निकाल दिया, ऊपर कर लिया इस वजह से भी, तो इससे भी ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाएगी। तो ये भी कर सकते हो 5-6 मिनट के लिए, तो इसको भी प्रॉपरली कर लेना। और कहीं आपको जो लगे उल्टा लटकना, लेटना वगैरह। अब एक और है, एक और मशीन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस साइड में जिसको हम डिक्लाइन बेंच प्रेस बोलते हैं, तो यहाँ पे, यहाँ भी आप उल्टे लेट सकते हो। अब यहाँ पे किस वजह से लेटोगे, जैसे कि यहाँ भी ये सब चीज़ें हैं ही सेम, इस वजह से आकर उल्टा लेट गए। अब अपनी लेग्स को आप ऊपर रख सकते हो, तो इससे भी क्या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्कैल्प की हो जाएगी। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। बाकी घर की एक्सरसाइज जो रहेंगी वो मैं आपको घर जाकर दिखा देता हूँ। तो ये इतनी एक्सरसाइज इस वजह से कर सकते हो, हेयर स्टैंड मुझसे होता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं मैं वीडियोज़ के चक्कर में करके दिखा दूँ और उल्टा पटक जाऊँ, तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे होता है तो हेयर स्टैंड धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, मैंने कभी ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की। तो अब चलते घर पे, घर पे जो एक्सरसाइज आप कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, घर पे भी मैं बताने वाला हूँ किस वजह से आपको करनी है एक्सरसाइज वगैरह। देखो ये है ना नॉर्मल, अगर आप करना चाहो इस वजह से कर सकते हो जिनसे हेड स्टैंड नहीं होता। एक तो सबसे पहले घर पे हेड स्टैंड कर सकते हो आप लोग, बाकी हेड स्टैंड जिनसे नहीं होता फ्री बैठे जैसे फ़ोन वगैरह चला रहे हैं, तो वो किस वजह से कर सकते हैं। जैसे कि लेग्स वगैरह आपने यहाँ रख ली और इस वजह से बैठे फ़ोन चलाते रहे या बैठ गए, तो इससे भी स्लोली ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्कैल्प में हाई होता है, ठीक है। ये चीज़ भी एक रहती है, तो इस वजह से जो करना चाहते कर सकता है। बाकी एक ये एक्सरसाइज आ जाती है इस वजह से भी, तो वो भी कर सकते हो आप लोग। सेकेंड मैं आपको दिखाऊँ किस वजह से, जैसे कि यहाँ पे इस साइड में आ गए तो सर को यहाँ से नीचे कर लिया आपने, ठीक है। अब ये चीज़ हल्की ऊपर, तो इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है। नहीं तो नॉर्मली इस वजह से कई देर बैठे रहे, इससे बाकी कुछ लोगों को चक्कर भी आने लग जाते हैं, ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से कहीं भी जाकर आपको एक तरीके से समझ आ रहा है कि उल्टा होने वाली ही एक्सरसाइज वगैरह करनी है आपको, तो कहीं भी कर सकते हो, जिम में कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, हेड स्टैंड घर पे कर सकते हो, और इस वजह से नॉर्मली बैठे बैठे ये भी कर सकते हो। इनका ऐसा है कि ये एक्सरसाइज ठीक है अगर आप कर लोगे, बट ऐसा गारंटेड नहीं है कि आपको रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।